फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गाइस मैं हूं याचना, और आपने वीडियो टाइटल देख लिया होगा। ये वीडियो होने वाली है लिपस्टिक्स पे। जी हाँ, लिपस्टिक्स पे। और ये जो लिपस्टिक की कहानी है, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरे ब्रदर की मैरिज हुई है, और उसमें क्या हुआ था, मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं हूँ शौकीन न्यूड लिपस्टिक की। मुझे ब्राइट कलर की लिपस्टिक से ना बहुत एलर्जी है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतनी ब्राइट लिपस्टिक कैसे लगा सकता है ये। लेकिन ये परसेप्शन मेरा ना चेंज हो गया है, ये सोच मेरी चेंज हो गई है जब से मैं अपने ब्रदर की शादी से आई हूँ वापस। तो न्यूड लिपस्टिक, मैंने इतना प्रेम था ना मुझे न्यूड लिपस्टिक से कि बस न्यूड न्यूड न्यूड, जितने भी शेड्स हैं सब न्यूड, इतने सारे शेड्स हैं। लेकिन शादी में एक भी काम नहीं आया, एक भी। सच में मैं बहुत, मतलब अंदर से मैंने एक चीज़ सीखी है कि नहीं, ये गलत है। आपने अपने आप को एक चीज़ में बांध दिया है कि भाई बस लिपस्टिक लगानी है तो न्यूड लगानी है, नो। तो वहाँ पर क्या हुआ, सारे डार्क लिपस्टिक लगाते थे, इतनी डार्क डार्क, तो बस वो ही दिखते थे। और मैं एकदम बहुत हल्की लगती थी, मैं इतना अच्छा मतलब मेकअप वेकअप सब करती थी, बट क्या होता था लिपस्टिक के मामले में बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता था। अब कम से कम आ तो रही है नज़र, जो मैं वीडियो में आपको दिख भी दूँगी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सब डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो मुझे बस ये चीज़ की बात खली कि अगर फंक्शंस हो तो आप डार्क लिपस्टिक लगा सकते हो। और डेली लाइफ में या फिर आप जैसे भी, इवन आप दोपहर को आप न्यूड लिपस्टिक लगाओ, लेकिन नाइट में आप डार्क लिपस्टिक लगाओ। ये मैंने सीखी बात, फंक्शंस में डार्क लिपस्टिक लगाओ। तो मैंने ना परचेज़ किया है ये, आते ही शादी निकल गई, बट कोई बात नहीं आगे के लिए। तो मैंने परचेजिंग करी अमेज़ॉन से ये चार लिपस्टिक, और भी लिपस्टिक ली हैं, बट मैं ये शेड आपको दिखाऊंगी। इसकी मैंने ना वीडियो बनाई है, तो मैं यहाँ लगाती जाऊंगी एक एक शेड के ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या और कितने कितने की लिपस्टिक्स ली हैं, और बहुत अमेजिंग है यार। डार्क कलर्स लगाने बहुत ज़रूरी है यार, बनी है तो लगाओ ना। आजकल तो ब्लैक कलर की भी चल रही है, और मैंने एक ब्लू कलर की या पर्पल कलर की भी देखी थी, बट कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी है। सो मैंने लिपस्टिक लिया अमेज़ॉन से, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। अभी तो सेल भी गई है वहाँ पे, समर सेल भी गई थी। तो आप भी ले सकते हो, जितने भी मैं वीडियो जो भी ये दिखाऊंगी आपको, उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो अपने आप ही जाके ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 1500 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और 3 लाख से ज़्यादा स्टाइल्स हैं, और इनके कस्टमर सर्विस बहुत अमेजिंग है अमेज़ॉन की। तो वहाँ से आप अगर पसंद भी नहीं आती तो एक्सचेंज या रिटर्न करा सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहली जो लिपस्टिक है वो है ये, यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी, मैक्स फैक्टर की, और ये रोज़, इसका जो शेड है बिविचिंग कोरल। यार ये बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है, और मैंने देखो लगाई भी हुई है बहुत, अभी मतलब वीडियो में लगा रही हूँ मैं। ये बहुत अमेजिंग है बहुत, और ये मैंने रोज़ी पिंक जो होता है ऐसा कलर है, मतलब रोज़ का कलर है, बहुत ही अमेजिंग। तो ये है मैक्स फैक्टर, इसका प्राइस यहाँ लगा दूंगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छा शेड है, यहाँ पर आपको दिखेगा देखो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो मैक्स फैक्टर की, और ये बहुत बटरी, मतलब आपके होठों पे जितनी भी लिपस्टिक ली है मैंने, ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है। इवन ये वाली भी, ये भी दिखाती हूँ कौन सी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही नेचुरल, जो मुझे पसंद है, न्यूड कलर में बहुत ही प्यारा, लेकिन थोड़ा सा डार्क। अब सेकेंड लिपस्टिक है ये LA गर्ल की लिप मूव्स, और ये बहुत बहुत अमेजिंग है, और ये बहुत सस्ती भी मुझे मिली है, और वीडियो लगा दूंगी और प्राइस यहाँ लगा दूंगी, देख लेना। तो ये वेलवेट लिप कलर मूव्स है, तो क्या होता है मूव्स में क्रीमी टेक्स्चर होता है, इसका जो कलर है वो स्टनिंग, जो शेड है वो स्टनिंग है, और बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा। यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, वैसे तो मैंने वीडियो भी बनाई है, बट ये देखो कितना अमेजिंग कलर है यार ये, बहुत, और ब्राइट है। सबसे पहली बात है ब्राइट कलर्स लगाने चाहिए, इससे एकदम आपके चेहरे पे ना अलग सा एक फील आता है कि भाई हाँ आप तैयार हुए हो। बहुत अमेजिंग है ये सेकेंड लिपस्टिक। नाउ थर्ड जो है वो है मैट रॉयट लिपस्टिक, और इसका जो कलर है मंगनोलिया आई थिंक। तो ये है भाई चेरी कलर की, माय गॉड ये बहुत अमेजिंग कलर है बहुत। और मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, ये थोड़ा अगर देख पा रहे होंगे तो शाइनी है, और ये मैट में है, क्योंकि मैट है ये, और ये बहुत अमेजिंग कलर है। मैं वीडियो लगा दूँगी, प्राइस यहाँ दिखा दूँगी, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है। मेरे को चारों लिप कलर बहुत अच्छे लगे। और जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये है लिप विप, 10 ml की ये ट्यूब है, माय गॉड कितनी सारी है। 4 ml की लिपस्टिक होती है, जो हमारी नॉर्मल लिपस्टिक होती है वो 4 ml की होती है, और ये देखो ये क्रीमी लिपस्टिक है और बहुत अच्छी है। ये देखो ट्रांसफर प्रूफ है, आप ये ज़रूर ले सकते हो, इसमें सारे शेड बहुत अच्छे हैं। और ये जो है ना, ये है एज, जो कलर है वो एज है, मैंने लगाया हुआ है, वीडियो में भी लगा रही हूँ, बहुत अमेजिंग है ये, आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, सच में बहुत प्यारा कलर आता है इसका। मैंने लगाया भी हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और ट्रांसफर प्रूफ है, तो आप ज़रूर ट्राई करना है, चारों लिपस्टिक बहुत अमेजिंग है। और आपने मेरी इस वीडियो से सीखा कि अगर फंक्शन हो तो डार्क से डार्क लिपस्टिक, और अगर आप नॉर्मल डेज में हो, नॉर्मल लाइफ में हो, तो आप न्यूड लगा सकते हो, लेकिन फंक्शन में आप हमेशा डार्क लगाना। तो मैंने तो अभी सीखा यार, अब नेक्स्ट फंक्शन में लगाऊंगी। तो कैसी लगी आपको ये सारी मेरी लिपस्टिक्स और ये वीडियो, कमेंट कर देना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से लेना मत भूलना।
आप नहीं तो अपनी पसंद की भी लिपस्टिक ले सकते हो, बहुत सारे कलर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, तो तब तक टेक केयर, बाय।